हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। आज इस मौके पर मैं कोई फैक्ट चेक लेकर नहीं आया हूं, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो मिस इन्फॉर्मेशन का पनाहघर बना बैठा है। ये प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के मकसद से हुई थी, और आज इसकी पॉपुलैरिटी और हनक का आलम यह है कि अमेरिका और भारत जैसे देशों में होने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। और यही वजह है कि फेसबुक के डिजिटल कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं फेसबुक का रवैया गैर जिम्मेदाराना लग रहा है। आगे आपको बातें तफसील से समझाई जाएंगी, हम अपना पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस सबसे पहले एक्टर और अपनी एक्टिंग के जरिए दुनिया की तमाम ताकतों को लगातार चुनौती देने वाले साशा बैरन की साल भर पुरानी स्पीच के कुछ हिस्से हम आपको दिखाना चाहेंगे। Conspiracy theories once confined to the fringe are going mainstream. It's as if the age of reason, the era of evidential argument is ending, and now knowledge is increasingly delegitimized and scientific consensus is dismissed. Democracy, which depends on shared truths, is in retreat, and autocracy, which depends on shared lies, is on the march. Hate crimes are surging, as are murderous attacks on religious and ethnic minorities. All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history. Facebook, YouTube, and Google, Twitter, and others, they reach billions of people. The algorithms these platforms depend on deliberately amplify the type of content that keeps users engaged. Stories that appeal to our baser instincts and that trigger outrage and fear. हमने आपको स्पीच के कुछ हिस्से ही दिखाए, लेकिन आप इस 24 मिनट की स्पीच को जरूर सुने, जरूर देखें। इसका लिंक हमने कमेंट में छोड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा भी ठोकती है, उसके एक सांसद हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसके अनुसार ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के सपोर्टर्स सिलचर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। न केवल ऑल्ट न्यूज बल्कि फेसबुक के फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स बूम लाइव और द क्विंट ने भी इस दावे का फैक्ट चेक किया था। बूम लाइव की स्टोरी के बाद फेसबुक ने हेमंत बिस्व शर्मा के पोस्ट पर फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी गलत जानकारी का लेबल लगा दिया, और बाद में यह लेबल हटा भी दिया गया। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि असल में हेमंत बिस्व शर्मा के पोस्ट पर गलत जानकारी वाला वो लेबल गलती से लग गया था। ऑल्ट न्यूज ने जब फेसबुक से इस बाबत जानकारी मांगी तो आशा के अनुरूप उनका वही रटा रटाया जवाब आया, जिसमें उन्होंने अपनी फेसबुक पॉलिसीज चेप के भेज दी। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि राजनीतिक नेताओं के पोस्ट फैक्ट चेकिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर इस पॉलिसी को पत्थर की लकीर माना जाए, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि फेसबुक के साइज की कंपनी के लिए अपनी बातों अपनी पॉलिसीज पर टिके रहना बेहद जरूरी है, तो अगर इस फेसबुक की पॉलिसी को हम पत्थर की लकीर माने तो भी हमें कई ऐसे मौके दिखे जहां फेसबुक अपनी बातों पर टिका हुआ नहीं दिखता है। तमिलनाडु में 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली गई। इसी के एक वीडियो को सितंबर 2020 में हो रहे किसानों के आंदोलन से जोड़ दिया गया और कहा गया कि किसानों ने यह मोदी की शव यात्रा निकाली है। साल 2018 में यही वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में कांग्रेस की जीत की खुशी मनाई गई और मोदी की शव यात्रा निकली। इसका फैक्ट चेक बूम लाइव और द क्विंट के अलावा इंडिया टुडे ने भी किया था, जो बतौर थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे मसले में झोल यह दिखाई देता है कि कई जगहों पर इस वीडियो पर ऑल्टर्ड वीडियो या फॉल्स इंफॉर्मेशन का कोई लेबल नहीं लगाया गया था, लेकिन जब कांग्रेस के नेता उदित राज इसे शेयर करते हैं तो उस पर ऑल्टर्ड वीडियो का लेबल दिखता है। तो अगर वाकई फेसबुक राजनीतिक नेताओं की कही बातों का कोई फैक्ट चेक नहीं करता है तो कांग्रेस नेता के पोस्ट पर कैसे यह लेबल लग गया? और यह झोल तब भी दिखता है जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के शेयर किए गए वीडियो पर पार्शियली फॉल्स इंफॉर्मेशन का लेबल लगा दिया गया। इस वीडियो का फैक्ट चेक फैक्ट क्रेसेंडो ने किया था। बकौल फेसबुक, पॉलिटिशियन वो शख्स होता है जो किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो, किसी पद पर आसीन हो या किसी नेता की कैबिनेट का मेंबर हो, और इसी के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके नेता इस डेफिनेशन के अंडर आते हैं। यानी फेसबुक की इस परिभाषा के हिसाब से उदित राज और तेजिंदर बग्गा दोनों पॉलिटिशियन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी उनके पोस्ट पर फैक्ट चेकिंग के बाद वार्निंग लेबल लगाया गया है। यहां तक कि फेसबुक ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के पेज से शेयर किए गए एक यूट्यूब वीडियो पर
फॉल्स इंफॉर्मेशन का लेबल लगाया था। तो क्या फेसबुक की नजर में पूर्व सांसद उदित राज विधायकी का चुनाव लड़ने वाले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है? और अगर हैं तो पॉलिसी के हिसाब से इनकी कही बातों का फैक्ट चेक क्यों किया गया? आपको यहां पर यह भी याद दिला दें कि फेसबुक ने अपनी इसी पॉलिसी का हवाला देते हुए हेमंत बिश्व शर्मा के पोस्ट से वार्निंग लेबल हटा दिया था। हाल ही में संपन्न हुए अमरीकी चुनाव की बात करें तो उस दौरान कई मौकों पर फेसबुक ने ट्रंप के ऐसे पोस्ट पर वार्निंग लेबल लगा दिया था जिसमें वो खुद की जीत की घोषणा कर रहे थे। हालांकि बजफीड की एनालिसिस ने यह भी बताया कि इन वार्निंग लेबल से इन पोस्ट की रीच में कोई खास अंतर नहीं आया था। मगर क्या फेसबुक दुनिया के बाकी हिस्सों में होने वाले चुनाव के दौरान भी इसी तरह के कदम उठाएगा? ऐसा लगता नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फेसबुक एक अमरीकी कंपनी है और इसकी पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स तक ही लिमिटेड दिखाई पड़ रही हैं। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में किसी भी तरह के पॉलिटिकल एड्स बैन कर रखे हैं। वहीं फेसबुक ने अमेरिका में चुनावों के एक हफ्ते पहले पॉलिटिकल एड्स पर रोक लगा दी थी और अब इस टेम्परेरी बैन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इंडिया का क्या? यहां पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ये वो प्रदेश है जहां अमेरिकी स्टेट जॉर्जिया से 9 गुना ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक फेसबुक ने चुनाव के दौरान गलत जानकारियों से निपटने के लिए या उन्हें रोकने के लिए किसी भी तरह की पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि फेसबुक की पॉलिसीज यूएस तक ही महदूद दिखाई दे रही हैं, इसका एक बड़ा सबूत यहां से भी मिलता है कि फेसबुक ने विकासशील देशों में फैल रही गलत जानकारियों को रोकने में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। फिर वो चाहे इथियोपिया को नरसंहार की हद तक पहुंचाने वाली हेट स्पीचेस हो या फिर म्यांमार में हो रही हिंसा हो, हमने देखा है कि कैसे चुनावी माहौल में बड़े बड़े नेता मंत्री भी ऐसी बातें कहने से नहीं हिचकते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता या वो भ्रामक होती हैं। ऐसी बातों का कई मौकों पर फैक्ट चेक किया जाता है और कई मौकों पर नेताओं को छूट दे दी जाती है। ये सारा अंदरूनी मामला होता है और जिस नेता जिस पार्टी की जितनी ज्यादा हनक होती है उसे उतनी ज्यादा छूट मिलती दिखाई देती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन फेसबुक जिन थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर से काम करवाता है उन्हें इस कंपनी ने राजनीतिक भाषणों की फैक्ट चेकिंग करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। इस बाबत फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिटिकल स्पीच एक लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और लोगों को यह सुनने का पूरा हक है कि कौन सा नेता क्या कह रहा है। और चूंकि इन भाषणों की इन बयानों की विवेचना करने वाले पहले से बहुत सारे लोग मौजूद हैं इसलिए फेसबुक उनकी फैक्ट चेकिंग नहीं करता है। अब ये बात जुकरबर्ग बाबू को कौन समझाए कि अमेरिका में पॉलिटिकल भाषणों की स्क्रूटनी काफी होती है लेकिन इंडिया में ऐसा सीन नहीं है। यहां के हालातों का अंदाजा आप यूं लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक यानी 6.5 सालों में एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सीधे सवालों का सामना नहीं किया है और जो भाषण हमने सुने हैं किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने अपने दर्शकों तक उस भाषण में कही गई बातों की सच्चाई चेक करने के बाद उसे पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई है। जुकरबर्ग को कोई जाकर यह बताए कि हम उस देश में हैं जहां ना हमें प्रधानमंत्री के फंड में आए और गए पैसों की जानकारी मिलती है और ना ही हम ये ठोस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आम काट के खाते हैं या चूस के। ये वो देश है जहां अपने ट्वीट्स की वजह से पत्रकार जेल में डाल दिए जाते हैं और ये देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142वें पायदान पर नजर आता है। ऐसे में अगर जुकरबर्ग और फेसबुक को लगता है कि राजनीतिक भाषणों की सही सही स्क्रूटनी इंडिया में हो रही है तो अपनी संवेदनाओं के सिवा हम उन्हें और कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते हैं। अभी तक बात हो रही थी पॉलिटिकल शख्सियतों या पार्टीज के हवाले से आने वाली गलत जानकारियों की, अब एक सरसरी निगाह डालते हैं आम सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा फैलाई गई गलत जानकारियों पर। नमूना वही है, हेमंत बिश्व शर्मा का दावा कि असम के हवाई अड्डे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस दावे को फेसबुक के साथ ही थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स ने झूठा माना था, यानी यह बात फेसबुक के संज्ञान में बाकायदे थी। मगर फिर भी हम यहां आपको गैर राजनीतिक लोगों या समूहों द्वारा किए गए इसी दावे से जुड़े पोस्ट के 3 ऐसे नमूने दिखा रहे हैं जो फेसबुक पर अभी भी मौजूद हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई भी वार्निंग लेबल नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही हमें कई ऐसी चीजें देखने को भी मिली जहां गैर राजनीतिक लोगों के ऐसे पोस्ट अभी भी मौजूद हैं जिनके फैक्ट चेक्स फेसबुक से जुड़े थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स
कर चुके हैं और ये फेसबुक के संज्ञान में बाकायदे है। यहां से हमें यह मालूम चलता है कि फेसबुक अपनी ही पॉलिसी को अप्लाई करने में ढिलाई बरतता है। एक तरफ तो ऐसे कई लिंक्स मिलते हैं जो कि वार्निंग लेबल के अधीन है या फिर हटाए जा चुके हैं, वहीं सिमिलर दावा करने वाले कितने ही लिंक्स अभी भी मौजूद हैं और उन पर कोई वार्निंग लेबल नहीं लगा हुआ है। और इसके साथ ही अगर उस दावे को कोई अगर घुमा फिरा के लिख दे तो भी वो फेसबुक की नजरों में आता नहीं दिखाई देता है। यानी ऊपर ऊपर से इस पूरे मामले को देखें और इसे समराइज करने की कोशिश करें तो दिखाई ये देता है कि फेसबुक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े बड़े नेता अपनी भारी फॉलोइंग के बीच गलत जानकारियां फैलाने के लिए करते हैं और फेसबुक की पॉलिसी के चलते उनकी बातों को फैक्ट चेक नहीं किया जाता। और जाते जाते एक बात और, ऑल्ट न्यूज ने कई बार फेसबुक से संपर्क कर इन मसलों पर उनका जवाब जानने की कोशिश की और हर बार हमारी यह पहल नाकामयाब रही। हमें कुछ मिलता है तो उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का एक लिंक जिसमें हमारे पूछे गए सीधे सवालों के जवाब नहीं होते हैं। भारतीय परिपेक्ष में ऑल्ट न्यूज का काम मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने की फील्ड में कुछ मायने रखता है और ऐसे में जब फेसबुक लगातार हमारे सवालों पर रटे रटाए जवाब देता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने वाले ऑब्जेक्टिव से कुछ पीछे हट रहा है। ऑल्ट न्यूज के लिए रिसर्च और स्टोरी की है पूजा चौधरी ने। मेरा नाम है केतन और आप बने रहें ऑल्ट न्यूज के साथ। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@ऑल्ट न्यूज पर। इसका लिंक भी कमेंट्स में आपको मिल जाएगा।